ये देखो, ये है हमारे उत्तराखंड के माल्टा। हमारे भी पेड़ हुआ करते थे किसी जमाने में। आप तो सब नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और आज सुबह सुबह लगे हैं बादल। मौसम तो उतना ठंडा हो रहा नहीं है, लेकिन हाँ, एक गर्माहट सी है, हल्की हल्की। उतनी ठंड नहीं है जितनी कि बादल लगने पे होती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर आसमान पीला है क्योंकि धूप भी साथ साथ निकल रही है, सूर्योदय हो रहा है, वहाँ से सूर्य भगवान जी भी निकल रहे हैं धीरे धीरे, और बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। तो गाइज, आज है गुरुवार और यह है गुरुवार की सुबह। सो गाइज, हम सब उठ गए हैं, मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, और हम बनाएंगे अब नाश्ता जल्दी से, उसके बाद करेंगे दिन के और काम। तो आशा करते हो आप सबकी सुंदर सुबह की शुरुआत हो चुकी होगी। तो चलिए, आइए नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। खुशी, हाय, उठ, सो गई फिर? अरे उठी तो हूँ। चल, मेरे सीने में पानी गर्म हो गया, नहा ले, टाइम है अभी। हाँ, क्या कर रही है? कहाँ ना चिची, छत डस्ट टूट रही है, क्या कर रही है? क्यों नाच रहे? ईवीएस की भी क्लास नहीं है। ए भगवान, ईवीएस की क्लास नहीं है? अभी मैसेज आई है ना, देख तो जरा, सारा वो नीचे कारपेट पूरा बदन पे लगा लिया गधे ने। कान ऐसे क्यों करता है उल्टे काम? क्या है ये? आखिरी क्लास है ये? आखिरी क्लास है? गाइस अमरूद खा लो, ज्यादा खुश मत हो तो पिटेगा, ये भी कैंसिल हो जाती थी। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 11:25 और गाइस अभी हम बाहर घूमने जा रहे हैं। और गाइस, ये बहुत ही खुशी की बात है कि गाइस मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई है, क्योंकि गाइस आज सिर्फ मेरी दो ही क्लास थी और दो क्लास कैंसिल हो गए, पता नहीं क्यों। पर गाइस, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे को दो क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ी, इसलिए गाइस अभी मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपको। इसको क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ी इसलिए कितनी खुशी हो रही है इसको। तो गाइस चलिए, चलते हैं घूमने। क्या सो गई थी? ले मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली में डन। कल्लू आ रहा है, उसके नाम मत बिगाड़ तू। पहले बोल दिया कोक मेरा है, जा दे तू, ले तू कोक खा ले तू, बस ले। गाइस आ गए हम लोग बाहर से, बाहर बहुत अच्छी धूप लग रही है आज, आज ठंडी नहीं लगी, आज हवा कम चल रही है। और हम लोग आ गए, इनकी गाड़ी का ब्रेक टाइट करवाना था, पागल हो गए हैं, हो गए हुए, कॉल भी आ गई है। कौन है? हेलो, चलिए गाइस, शाम हो गई है तो थोड़ा बाहर जाके आते हैं, खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा, सब्जी लेके आते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं। चलिए, गाइस बारिश जैसा मौसम बन रहा है और देखो सनसेट भी होगा धीरे धीरे। हम लोग थोड़ा बाहर आए हुए हैं, बस बारिश ना हो, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। देखो वहाँ पे कैसा चिड़िया बैठी हुई है, ब्राउन कलर की ना,
हम जंगलों के बीच से गुजरते हुए जा रहे हैं। गाइस ये देखो इतने बड़ा गेहूं का खेत कितने हेक्टर में होगा, ये वहां से उस कॉर्नर तक है और पूरा यहाँ पे कांटे वाले तार लगा रखे हैं चारों तरफ से कि गाय बच्ची वगैरह कुछ अंदर ना जाए, और जगह जगह पन्नियाँ बांध रखी हैं हाईलाइट करने के लिए तार को, कोई छुए ना, कभी होता है ना दिखता नहीं है कुछ तो पन्नी की वजह से दिख जाएगा। यहाँ पे गाइस ईंट की फैक्ट्री है, सीमेंट की ईंट की फैक्ट्री, यहाँ पे सीमेंट की ईंट की ईंट बनाई जाती है, बहुत सारी रखी हुई है देखिए। यहाँ पे होटल बन रहा है ना, रेस्टोरेंट जैसे ही बन रहा होगा, बिल्डिंग। अच्छा गडरिया आ गया, कान्हा भी बना था ना गडरिया है ना कन्नू। देखो गाइस कितनी सारी भेड़े जा रही है हमारे आगे से, सुंदर सुंदर लहराती हुई। इनकी पूंछ तो बड़ी लंबी है, भेड़ों की पूंछ होती है ना इतनी लंबी। गाइस देखो कितनी सारी भेड़े जा रही है। गाइस देखो यहाँ पे एक अंकल चाय फ्री में बांट रहे हैं। बंद कर दिया। गाइस हम लोग आ गए हैं और हम लोग गए हुए थे थोड़ा, कोई गांव से आया था तो देखो हमारे वहाँ कैसे होते हैं माल्टा, मैं आपको दिखाती हूँ उत्तराखंड में। ये देखो ये है हमारे उत्तराखंड के माल्टा, हमारे भी पेड़ हुआ करते थे किसी जमाने में, अब तो सब सूख गए हैं। और ये माल्टा का थोड़ा सा जूस है, देखो ये बच्चों ने चख भी लिया थोड़ा सा, इतना हमने भी चख लिया दोनों ने। और ये है माल्टा का जूस निकाल रखा है, और ये है माल्टा, और इसमें है मंडुए का आटा, इसको वो भी बोलते हैं हिंदी में, मराठी में तो रागी बोलते हैं, हिंदी में भी आई थिंक रागी ही बोलते हैं। मंडुए का आटा जो काली रोटी होती है ना, वो हमारे गांव में इसको बोलते हैं मनुआ पिशी। ये चाहो ये अच्छा, इसकी रोटी अच्छी होती है, आज इसकी रोटी बनाऊंगी। और ये हमारे गाँव का सामान है, और थोड़ा भट भी है, भट तो मैंने कर दिए थे इधर, को मैं आपको दिखाती हूँ। ये है भट, इनको भट बोलते हैं, जो मैंने कल आपको चुड़कानी बना के दिखाई थी ना, एक मिनट। हाँ ये देखो गाइस ये रे, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, वैसे ये सोयाबीन है ना, जो सोयाबीन होते हैं ना ये उनके विपरीत होते हैं। सोयाबीन कैसे होते हैं वाइट, और ये होते हैं ब्लैक, बस इतना ही फर्क होता है मेरे ख्याल से, ब्लैक सोयाबीन होते हैं ये। हमारे गाँव में इनको कहते हैं भट, ये माल्टा, और ये मनोपिशी, और ये अच्छा जूस। तो आज हमारे गांव में से आया है सामान मेरा। आपको ये कैसा लगा सामान? हमको तो अच्छा लगा क्योंकि हम तो खाएंगे, हमको तो मजा आएगा। और गांव में पहले थे तो कहते हैं ना, जी जब हम जिस जगह रहते हैं हमें उस चीज़ की वैल्यू उस समय पता नहीं लगती, जब हम वहाँ से अलग हो जाते हैं तो हमें उस जगह की वैल्यू पता लगती। मतलब जब हम गांव में रहते थे तब हम खाते थे ये, लेकिन हमें इस चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं थी क्योंकि हम रोज़ यही खाते थे, जैसे भट है, माल्टा है, माल्टा ऐसे ही लटके रहते थे पेड़ों पे, तोड़े खाए छिलके उलके फेंक दिए। लेकिन जो दिल्ली में रहता है उसको इस चीज़ की अहमियत का पता है। अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम गाँव, अब खेती बाड़ी है नहीं, माल्टा वाल्टा जो भी पेड़ थे सब सूख गए क्योंकि घर अब जाना कम होता है, तो वहाँ थोड़ा माहौल ही अलग हो गया है। जब कभी गांव जाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी किस तरह का हो गया है। तो अब हमको इस चीज़ की चाह है, तो जब ये आता चाहे वो भले जरा सा आए तो खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है, और हम चाव से खाते हैं इसको। तो ये आज हमारा सामान। गाइस देखिए हमने मनुआ का तो खाना बना दिया है, और ये है हमारे मंडुए की रोटी, या गेहूं का आटा और मंडुए का आटा मिक्स करके बनाया, गेहूं के आटे के अंदर इसको फील किया, उसके बाद रोटी बनाई है। तो देखो कितनी बड़ी रोटी बनती है। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं, आइए।
सो गाइस टाइम हो गया है 10 और सब सोने के लिए चले गए हैं। मुझे भी नींद आ रही है आंखों में हल्की हल्की, खाना पीना हो चुका है, मैं भी अब सोने के लिए जाऊंगी। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और जो हमारे चैनल पे न्यू है ना वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सब्सक्राइब एकदम फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लाल बटन को दबा देना और छोटे से घंटी है ना जो बेल अंकल उनको भी दबा देना और सभी पे या ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।